सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ अगरबत्ती परफ्यूम फार्मुलेशन के बारे में बात करना हूँ। आज मेरे हाथों में जो देख रहे हैं ये केमिकल है और मैं इसी केमिकल के बारे में बात करने वाला हूँ। आपके अगरबत्ती में ज़ोरदार खुशबू की तलाश है, आपका अगरबत्ती दूर तक फैलाव की तलाश है, आपकी खुशबू में एक अच्छा टोन की तलाश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा भरपूर नॉलेज मिल सके। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो अगरबत्ती परफ्यूम में एक केमिकल आता है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स बहुत तरह के होते हैं, उसका कैटेरिया होता है वो सी कैटेरिया बल्क में आता है, C11, C10, C9, C12, C13, 14, 18 इस तरह से आता है बल्क में। तो मैं वही एल्डिहाइड के बाद में बात करने वाला हूँ कि C9, C10, C11 ये तीन एल्डिहाइड का प्रयोग करके आप अगरबत्ती में एक ज़ोरदार खुशबू बना सकते हैं, ज़ोरदार खुशबू को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में जो परफ्यूम बिक रहे हैं, बाजारू परफ्यूम जिसको हम बोलते हैं, बाज़ार से ख़रीदा हुआ परफ्यूम, उसमें एल्डिहाइड की मात्रा बहुत कम होता है और मार्केट में जो बिक रहा है परफ्यूम उसी को एक अच्छा परफ्यूम बना सकते हैं एल्डिहाइड का प्रयोग करके। तो मैं एल्डिहाइड के बारे में बता रहा हूँ, उसका प्राइस भी बताऊँगा, उसकी मैच्योरिटी भी बता रहा हूँ और उसकी कीमत भी बताऊँगा कि एल्डिहाइड आपको कितने कीमत में मिलेंगे, कितना इस्तेमाल करना है जो परफ्यूम है। दोस्तों, एल्डिहाइड जो आप देख रहे हैं एसेंशियल ऑयल है, ये खुशबूदार पदार्थ जिसको बोलते हैं वो है, और हर परफ्यूम में एल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है, तभी जाके परफ्यूम कंप्लीट बनता है। जिसमें एल्डिहाइड की मात्रा कम होती है वही परफ्यूम जो है बूस्टिंग नहीं हो पाता है, वही परफ्यूम में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि एल्डिहाइड की कीमत कितनी है। दोस्तों, एल्डिहाइड की कीमत जो है मार्केट में अप्रॉक्स जो है अभी जो मार्केट में चल रहा है वो 2600 से 4000 रुपया तक, 2600 से 4000 रुपया पर लीटर उसका कीमत है। दोस्तों, तो सोचिए कि जो मार्केट में आप 500 रुपये में, 600 रुपये में, 1000 रुपये में आप कोई परफ्यूम खरीद रहे हैं, उसमें एल्डिहाइड की क्या मात्रा होगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि सस्ता परफ्यूम में एल्डिहाइड की मात्रा नहीं होती है और इसी से आपका परफ्यूम जो है वो बूस्टिंग नहीं हो पाता है। आपका परफ्यूम जब जलता है तो कोई महक नहीं है, उसमें कोई सुगंध नहीं है और इसी से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मार्केट में जो बिक रहा है परफ्यूम उसी को इस एल्डिहाइड की मात्रा कुछ दे के आप परफ्यूम को तैयार कर सकते हैं, एक अच्छी परफ्यूम बना सकते हैं, उसको लॉन्ग लास्टिंग, उसका टोन को जो है तब्दील कर सकते हैं और बेहतरीन परफ्यूम बन भी जाएगा। तो उसकी मात्रा मैं बताने वाला हूँ कि एक लीटर परफ्यूम जो है मार्केट का बाजारू परफ्यूम को में 30 से 40 बूंद ड्रॉपिंग करके, ड्रॉप से 30 से 40 बूंद ड्रॉपिंग करके, और ये ड्रॉपिंग जो करने का टाइमिंग होता है वो जब भी होगा आपको धूप में, जैसे सनलाइट है, जैसे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे। तो एक लीटर में कितना बता रहे हैं आप, 30 से 40 बूंद डाल के एल्डिहाइड में, और उसको 72 घंटा डीपी में डाल के 72 घंटा के लिए आपको बंद कर देना है, छोड़ देना है, और 72 घंटा के बाद जो है इस्तेमाल करना है। लमसम एक सप्ताह के बाद अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो उसकी खुशबू में, ज़ोरदार खुशबू की आपको जो तलाश थी वो पूरी हो सकती है, बेहतरीन खुशबू की जो तलाश थी वो उससे पूरी हो सकती है। एल्डिहाइड C9, C10 और C11 ये तीन एल्डिहाइड का इस्तेमाल आप करके आप अपनी खुशबू को ज़ोरदार खुशबू बना सकते हैं, एक लंबा स्ट्रॉन्ग खुशबू डाइल्यूशन उसका बढ़ा सकते हैं। तो ज़ोरदार खुशबू की तलाश अब होगी पूरी। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, अगर इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ऐसा 5000 प्रोडक्ट को। तो आज